मूव करते हैं नेक्स्ट फैमिली की तरफ, दैट इज फैमिली सीजर पिनेसी। फैमिली सीजर पिनेसी यानी कि आपके पास कैशिया फैमिली। कैशिया फैमिली यानी कि आपके पास जो अमलतास वाली फैमिली है वो आ गई। ठीक है, उसी तरह से आपके पास जो है इसके अंदर 152 जो हैं वो जेनरा आ जाते हैं, 2300 स्पीशीज आ जाती हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, यानी कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इतनी जनरा और इतनी स्पीशीज आ जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग बात करें, ये आपके पास आ रही हैं वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है इसके 16 जनरा आ जाते हैं, इसी तरह से आपके पास 60 स्पीशीज आ जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। फेमिलियर अगर हम लोग प्लांट देखें कि कॉमन कौन से प्लांट्स आ रहे हैं इस फैमिली के, तो आपके पास जो है वो फर्स्ट आपके पास आ जाते हैं टेरामेंडस इंडिका, यानी कि इमली का प्लांट। ठीक है, इमली आ जाती है। इसी तरह से आपके पास आ जाता है बोहिनिया वेरिएटा, बोहिनिया वेरिएटा यानी कि आपके पास कचनार आ जाती है। इसी तरह से आपके पास आ जाता है कैशिया फिस्टुला, यानी कि आपके पास जो है वो अमलतास आ जाती है, अमलतास जिसे गोल्डन शार भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मूव करते हैं इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स की तरफ। वेजिटेटिव करेक्टर्स, वेजिटेटिव करेक्टर्स में क्या होता है, हम लोग कहते हैं रूट स्टेम लीव्स जो हैं वो आपके पास आते हैं वेजिटेटिव करेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी हैबिट को, यानी कि इसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो आपके पास हर्ब्स हैं कि श्रब्स हैं या ट्रीज़ आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि मोस्टली जो है इसके अंदर ट्रीज़ आते हैं और श्रब्स। ठीक है, यानी कि आपके पास ज़्यादा कॉमन है, यानी कि मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो या तो ट्रीज़ हैं या फिर श्रब्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो जारी बात है अगर ये ट्रीज़ या श्रब्स हैं तो ये वुडी होंगे। बहुत रेयर होता है कि इनके अंदर जो है वो हर्ब्स प्रेजेंट होंगे, तो जो हर्ब्स होंगी वो आपके पास हर्बेशियस होंगी या क्लाइंबर्स होंगी। ठीक है, हर्बेशियस होंगी, इसके अलावा क्लाइंबर्स हो सकती हैं। क्लाइंबर्स मतलब कोई भी उनको सपोर्ट मिलेगी उसके अराउंड जो है क्लिंग करके जो है वो ग्रो कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो स्टेम की हम लोगों ने बात कर ली कि स्टेम आपके पास जो है वो मोस्टली वुडी आ रही है। जारी बात है अगर आपके पास ट्रीज या श्रब्स हैं तो आपके पास वुडी स्टेम आएगी, या आपके पास हर्बेशियस आ रही है अगर हर्ब्स हैं। ठीक है, तो नरम आ रही है आपके पास अगर ये हर्ब्स हैं। इरेक्ट होती है यानी कि बिल्कुल सीधी होती है, टेढ़ी नहीं होती। ठीक है, इरेक्ट होती है। अच्छा जी, इसी तरह से अगर क्लाइंबर्स होंगे तो उनकी फिर क्लाइंबिंग स्टेम आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आपके पास उस तरह की आएगी जो कि क्लाइंब कर सके। ठीक है, लीव्स अगर देखें तो मोस्टली इसके अंदर जो है आपके पास कंपाउंड लीव्स आते हैं। ठीक है, बहुत रेयर होता है कि आपके पास सिंपल लीव हैं, जैसे ये आपके पास जो कैशिया फिस्टुला है इसके भी अगर आप जो है वो लीव्स देखें तो आपको कंपाउंड मिलते हैं। इतने बड़े बड़े होते हैं उसके लीव्स, लेकिन आपके पास इस तरह से कंपाउंड होते हैं और आपके पास पिनेटली कंपाउंड होते हैं। ठीक है, पिनेटली कंपाउंड में पेरी पिनेटली कंपाउंड यानी कि आपके पास जो दो पे डिवाइड हो जाते हैं उसे हम कहते हैं पेरी पिनेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो आपके पास कंपाउंड लीव्स होते हैं, पिनेट होते हैं, कौन से पेरी पिनेट यानी कि जो दो के ऊपर डिवाइड हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, बहुत रेयर होता है कि इसके अंदर सिंपल लीव हो, रेयर होता है कि इसके अंदर सिंपल लीव हो। ठीक है, यानी कि इस तरह से आपके पास सिंपली जो है वो स्टेम के साथ एक ही लीव लगाओ, ये ऐसा बहुत रेयर होता है। ठीक है, स्टिप्यूलेट होता है यानी कि आपके पास जो है वो इसकी पेटियोल के एंड पे यहाँ पे जो है वो कोई ना कोई आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, जो कि लीफ लाइक भी हो सकती है, स्टिप्यूल लाइक भी हो सकती है, टेंड्रिल लाइक भी हो सकती है, थॉर्न लाइक भी हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी ग्रोथ आएगी तो हम कहेंगे ये आपके पास है स्टिप्यूलेट। ठीक है, तो ये थे इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स। देन हम लोग मूव करते हैं इसके फ्लोरल करेक्टर्स की तरफ। ठीक है, फ्लोरल करेक्टर्स में जारी बात है इसका जो है आपके पास फ्लावर आ जाता है। ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की, यानी कि अगर एक से ज़्यादा फ्लावर्स हैं तो वो किस तरह से जो है वो अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि आपके पास जो है वो रेसीम होती है, यानी कि आपके पास रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस होती है, जैसे आपको कैशिया फिस्टुला के अंदर मिलती है, यानी कि सबसे यंग सबसे ऊपर,
उससे एडल्ट वाला नीचे, उससे एडल्ट वाला उसके नीचे, उसके एडल्ट वाला उसके नीचे, ठीक है। इस तरह से आपके पास डेसिमोज जो है इनफ्लोरेसेंस के अंदर कॉमन होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब डेसिमोज जो है आपके पास कौन सी हो सकती है? आपके पास एक्सिलरी भी हो सकती है, टर्मिनल भी हो सकती है। एक्सिलरी का क्या मतलब है? यानी कि इस तरह से आपके पास साइड से अगर निकल रही है तो आपके पास एक्सिलरी है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो टिप पे प्रेजेंट है तो हम कह रहे हैं कि आपके पास टर्मिनल आ रही है, ठीक है। तो आपके पास एक्सिलरी रेसिन भी हो सकती है, आपके पास टर्मिनल रेसिन भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है उन्होंने बताया कि बहुत रेयर होगा कि आपके पास साइमोज होगी, यानी कि बहुत रेयर है कि उसके अंदर एडल्ट लार्व सबसे ऊपर हो, यंग वाला उससे नीचे, यंग वाला उससे नीचे, इस तरह से जो आपके पास आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास हो सकती है पेलिकल और स्पाइक। स्पाइक्स क्या होती हैं हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। स्पाइक हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि स्पाइक बेसिकली क्या होती है, यानी कि इस तरह से आपके पास फ्लोरल एक्सेस है, उसके ऊपर जो है अगर सेसाइल फ्लावर्स लगे, यानी कि बगैर पेडिस्टल के, बगैर डंडी वाले फ्लावर्स लगे, तो हम कहते हैं ये आपके पास है स्पाइक, ठीक है। पेलिकल मतलब वो ज़्यादा ज़्यादा फासले के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है, लाइक जैसे जो है वो ओट्स में होता है, वो फैमिली पोएसी है, खैर उसके अंदर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। यानी कि ज़्यादा ज़्यादा फासले पे अगर जो है वो एक इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है तो उसे हम लोग नाम देंगे ये आपके पास है वो पेलिकल है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास होते हैं शोई, यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर के, जैसे आपके पास कैशियो फिस्टुला का जो फ्लावर है वो आपके पास ब्राइट येलो कलर का फ्लावर होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, यानी कि ब्राइट कलर के आपके पास फ्लावर आते हैं, ठीक है। मूव करते हैं इसके फ्लावर की तरफ, ठीक है। ये हम लोग जो प्रेजेंटेशन आएगी उसमें भी देखेंगे, आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है? दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, यानी कि मेल भी उसके अंदर और फीमेल भी उसके अंदर, यानी कि हरमेफ्रोडाइट जो आपके पास फ्लावर आ रहा है, हरमेफ्रोडाइट, यानी कि आपके पास स्टेमन्स भी हैं, कार्पल्स भी हैं, दोनों चीज़ें एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। जाइगोमॉर्फिक क्यों हम लोग उसे कह रहे हैं? हालांकि ये आपके पास इस तरह का इसका फ्लावर जो है आपको नज़र आता है, ठीक है, इस तरह से फाइव पेटल्स वाला जो है वो आपको नज़र आता है, ठीक है। फिर भी इसे जाइगोमॉर्फिक क्यों कह रहे हैं? कि इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इक्वल हाफ आएंगे, इस तरह से करेंगे तो आपके पास एक साइड पर तीन पेटल्स आ जाएंगे, दूसरी साइड पर दो पेटल्स आ जाएंगे। तो हम लोग कहते हैं आपके पास जाइगोमॉर्फिक है। रेयर होता है कि आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक हो, यानी कि रेयर होता है कि आप किसी भी एंगल से उसे काटो तो आपके पास इक्वल हाफ आ जाए, ठीक है। आपके पास इसके अंदर कंडीशन आ जाती है पेरिजाइनस वाली, यानी कि आपके पास हाफ सुपीरियर जो है आपके पास ओवरी आ जाती है, ठीक है। हाफ सुपीरियर आ जाती है, यानी कि इस तरह से अगर आपके पास कार्पल प्रेजेंट है, यहाँ से स्टेमल्स निकलेंगी, यहाँ से पेटल्स निकलेंगी, यहाँ से ही सेपल्स निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर कंडीशन आ जाती है। अच्छा जी, देन हम लोग बात करते हैं इसके कैलेक्स की, यानी कि जो ग्रीन कलर की सेपल्स होती हैं, एनिमेशन में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। आपके पास जो है वो फाइव सेपल्स होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। कई मरतबा होता है कि वो फ्री हो, कई स्पीशीज के अंदर फ्री भी होती हैं, कईयों के अंदर फ्यूज होती हैं। फ्यूज होंगी तो वो बेसिकली आपके पास कोन की फॉर्मेशन करेंगी, यानी फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बना देंगी, कोन की फॉर्मेशन कर देंगी, तो हम लोग कहेंगे कोनेट है, ठीक है। कई मरतबा होता है कि वो ग्रीन कलर की ना हो, वो आपके पास कलर्ड भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कैशिया फिस्टुला है, उसकी जो है वो ग्रीन और येलो का मिक्सचर जो है वो आपके पास प्रेजेंट होता है, यानी कि आपके पास वेरियसली कलर्ड होती हैं, जिस तरह का फ्लावर होगा उस तरह के कलर की भी आपके पास जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। अच्छा जी, देन मूव करते हैं क्रोला की तरफ, यानी कि जो इसकी पेटल्स आ रही हैं, ठीक है। मोस्टली आपके पास जो है वो पाँच पेटल्स होती हैं, ठीक है, और जो है आपके पास फ्री होती है, यानी कि आपस में फ्यूज़ नहीं होती है, आप उसको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। या आप जो है वो एनिमेशन में भी देखोगे, फाइव पेटल्स आ रही होती हैं, आराम से अलग अलग जो है आपके पास हो जाती हैं, ठीक है। एंड्रोशन की बात करते हैं, यानी कि आपके पास जो है वो स्टेमन्स, ठीक है। स्टेमन्स जो है आपके पास 10 भी हो सकती हैं या फिर कम भी हो सकती हैं। बहुत रेयर होता है कि आपके पास न्यूमरस स्टेमल्स हो, यानी कि कुछ स्पीशीज हैं उसमें जो है वो आपके पास 10 से ज़्यादा आ रही होती हैं, यानी कि मल्टीपल नंबर में आ रही होती हैं, वरना 10 होती हैं या 10 से कम होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से फ्री होती हैं, यानी कि आपस में फ्यूज़ नहीं होती, या फिर जो है वो ग्रुप की फॉर्म में फ्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। मोस्टली फ्री होती हैं, लेकिन कई जो है आपके पास ग्रुप बना देती हैं, लाइक चार स्टेमल्स अलहदा हो जाएंगी, तीन स्टेमल्स जो है वो अलहदा से एक ग्रुप बना देंगी, तो इस तरह से आपके पास ग्रुप की फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। गाइनोशियम की बात करें तो हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि आपके पास जो है वो सीजल पिनेसी, पेप्लियोनेसी और मिमोसीड, ये तीनों जो है लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तीनों के अंदर एक एक कार्पल जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी इसी तरह से वन कार्पल प्रेजेंट है, ठीक है,
अब जारी बात है, एक कार्पल है तो आपके पास वो, तो उसके अंदर एक ही लॉकस आएगा, यानी कि एक ही स्पेस होगी, तो हम कहेंगे ये आपके पास यूनिलोक्यूलर आपके पास कार्पल आ रही है, यानी कि यूनिलोक्यूलर आपके पास ओवरी आ रही है, ठीक है। ओवरी फिर क्या होगी, बेसिकली आपके पास सुपीरियर होगी। सुपीरियर मतलब इस तरह से आपके पास जो है इसके नीचे से जो है वो स्टेमल्स निकलेंगी, इसके नीचे से ही पेटल्स निकलेंगी और इसके नीचे से ही सेपल्स निकलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके पास सुपीरियर ओवरी आएगी। प्लेसेंटेशन की अगर हम लोग बात करें, प्लेसेंटेशन हम लोगों ने बात की थी कि क्या होता है, कि किस तरह से ओव्यूल्स जो हैं वो ओवरी के अंदर अरेंज हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन आपके पास जो है वो, क्योंकि ये आपके पास इसका फ्रूट जो होता है वो लिग्यूम होता है, यानी कि फली की फॉर्म में होता है, लिग्यूम या पोड, ठीक है, इस तरह से। तो आपके पास जो है वो मार्जिनल प्लेसेंटेशन आती है, यानी कि इस तरह से मार्जन्स के साथ जो है वो सीड्स अटैच होते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स भी इसी तरह से आपके पास अटैच होते हैं, ठीक है। तो आपके पास मार्जिनल जो है वो प्लेसेंटेशन आ जाती है, तो फ्रूट इसका आ गया लिग्यूम या फिर पोड की फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके पास इसके इतने फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक है। देन हम लोग मूव करते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करें, तो इसके अंदर आपके पास जो है वो कई प्लांट्स आते हैं जिसे हम लोग ऑर्नामेंटल के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑर्नामेंटल यानी कि डेकोरेटिव पर्पस के लिए जो है वो गार्डन्स के अंदर उगाया जाता है, जैसे कैशिया फिस्टुला हो गया, ठीक है, इस तरह के आपके पास घुइनिया वेरिएटा हो गया, इनको इसके फ्लावर्स की वजह से जो है वो लगाया जाता है। सारी बात हम लोगों ने पीछे भी बात की है कि इनके फ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा शोई होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं, तो उन्हें ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए जो है वो लगाया जाता है। इसके अलावा कई प्लांट्स इसके आ जाते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, इन्हें डिफरेंट मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, वो भी हम आगे जाकर देखेंगे कि किस तरह से आते हैं। कुछ जो है उनको फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है, जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी बुहिनिया वेरिएटा, उसे जो है वो वेजिटेबल के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, जैसे इसके अंदर मेडिसिनल की अगर हम लोग बात करें, इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है कैशिया लाटा। कैशिया फिस्टुला की तरह के ही तकरीबन इसके फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। इसको जो है वो ड्राई करके जो है इसका पाउडर बना के उसको यूज़ किया जाता है ऑन स्किन, ठीक है, फॉर क्योरिंग स्किन डिजीज। कौन सी डिजीज़? बेसिकली आपके पास जो रिंग वॉर्म की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ होता है ऑन स्किन, उसको क्योर करने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कैशिया की दूसरी स्पीशीज आ जाती हैं, लाइक कैशिया सेना आती है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कैशिया ओवेटा आती है, ठीक है। इन दोनों से जो है आपके पास एक ड्रग निकलती है, उसे सेना कहा जाता है, ठीक है। इस ड्रग को ही सेना का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब इस ड्रग को भी बेसिकली आपके पास जो है वो एज लेग्जेटिव जो है वो यूज़ किया जाता है। लेग्जेटिव यानी कि नरम वगैरह करने के लिए, चीज़ों को नरम करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह से आप एनिमेशन भी देखोगे, एक आपके पास है वो प्लांट होता है काइनोमित्रा कोलीफ्लोरा, ठीक है, इस तरह से करके उसके जो है वो बड़े बड़े सीड्स आते हैं, ठीक है। उसके अंदर से क्या किया जाता है, उसके अंदर से बेसिकली ऑयल जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको जो है वो स्किन के ऊपर जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। ऑयल इज यूज ऑन स्किन, ठीक है, किस लिए? टू क्योर स्किन डिजीज, ठीक है, स्किन डिजीज से क्योर करने के लिए जो उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग ऑर्नामेंटल, ये आपके पास मेडिसिनल वैल्यू होगी, ठीक है। अगर हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें, तो सबसे पहले जैसे आपके पास कैशिया फिस्टुला आ गया, जिसके ब्राइट येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, अमलतास कहा जाता है। इसी तरह से आपके पास जो है वो बोहिनिया वेरिगेटा आ गया, ठीक है, कचनार जिसे कहते हैं, इसके आपके पास ब्राइट पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं, जैसे डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी जो है वो लोग लगाते हैं। इसी तरह से आपके पास जो है वो पार्किंसोनिया आ जाता है, इसके भी आपके पास लाइट ऑफ वाइट से लाइट येलो कलर के जो है इसके फ्लावर्स होते हैं, इसको भी डेकोरेटिव पर्पस के लिए लगाया जाता है, ये भी आपके पास ट्री है, ये तीनों आपके पास ट्री की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी फूड वैल्यू की बात करें, तो हम लोगों ने जैसे पीछे भी बात की कि जो बोहिनिया वेरिएटा है, इसे एज वेजिटेबल जो है वो यूज़ किया जाता है। किस तरह से? इसके जो आपके पास कलियाँ आती हैं, जो अभी खिले हुए फूल नहीं होते, उनको जो है वो तोड़ के कीमे के साथ बनाया जाता है, यानी कि जो कचनार है अक्सर घरों में जो है वो पकाई जाती है, ठीक है, उसे एज फूड जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह से आपके पास टेरामेंडस इंडिका आ जाता है, यानी कि आपके पास इमली जो आ जाती है,
खटास के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि इसके अंदर टार्टेरिक एसिड होता है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और आपके पास एडिबल होती है, जहाँ पे भी खटास चाहिए होती है उसके लिए जो है ये यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो है आपके पास जो इनकी बार्क आ जाती है, इन दोनों की जो बार्क है उसको, उससे डाई भी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। डाइंग के प्रोसेस के लिए इनको जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं टैनिंग का प्रोसेस, यानी कि रंगने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए जो है यूज़ किया जाता है इस डाई को, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है वो मेटोजाइलिन जो है आपके पास एक प्लांट होता है, उससे क्या किया जाता है, उसकी जो आपके पास हार्डवुड होती है, हार्डवुड अब कौन सी होती है, यानी कि आपके पास अगर इस तरह से जो है वो वुड को काटें, जो दरमियान का डार्क वाला पार्ट होता है वो हार्डवुड निकाल के उसका पाउडर बनाया जाता है, उससे डाई के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। ब्राउन डाई के तौर पर उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ गई। तो ये आपके पास सीजल पिनेसी, यानी कि जो आपके पास कैशियस फैमिली आ रही है।